हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही स्पेशल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जो लोग ये रेसिपी जानते हैं, मुझे पक्का यकीन है वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे वे ये वीडियो को देख के। इस रेसिपी को फेस्टिवल्स और फंक्शंस में ज़रूर बनाया जाता है और इसका नाम है वब्बट। इसको स्वीट रोटी भी बोला जाता है, कई लोग इसे पूरन पोली भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए, इसी को पूरन पोली या वब्बट कहा जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए पकाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ बड़ा बर्तन लिया है, उसमें हमने 2 लीटर पानी डाला है। पानी को अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे, इसमें बॉयल आने तक पकाएंगे। इसी समय हम थोड़े स्पाइसेस को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ हमने सौंफ लिया है 4 स्पून। इसको अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेंगे, यानी थोड़ा ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। देखिए, सौंफ से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और ब्राउन हो गए हैं। इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें खसखस को भून लेंगे, यानी इसको पॉपी सीड्स भी बोला जाता है। इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, यानी इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। ज़्यादा भूनना नहीं है वरना जल जाएंगे। हमने 4 स्पून खसखस लिया था। देखिए, अच्छी तरह से भून गई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए, अब हम 15 इलायची को खोल के इसके दाने निकाल लिए हैं। इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए, अच्छी तरह से भून गए हैं। देखिए, सारे स्पाइसेस हमें भून लिए हैं। ये हमारा पानी गर्म हो गया है, बॉयल हो रहा है। इसमें हम तूर की दाल डाल देंगे। हमने यहाँ 750 ग्राम तूर की दाल लिया है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। इसको डाल के अच्छी तरह से पका लेंगे। दाल को सिर्फ 80% पकाना है, बचे हुए 20% वो गुड़ के साथ पक लेंगे। इस दाल अच्छी तरह से 80% गलने के बाद इसमें हम गुड़ डाल के फिर से पकाएंगे, इसलिए सिर्फ इसको 80% पका रहे हैं अभी। देखिए, दाल 80% पक गई है, इसको और थोड़ा पकाना है गुड़ के साथ। अब हम इसमें जो पानी बचा है उसको ड्रेन कर लेंगे, यानी इसको छान लेंगे। ये पानी को फेंकना नहीं है, इसका यूज़ कर लेंगे हम। इस पानी को कैसे उपयोग करते हैं वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। देखिए, हमने यहाँ 750 ग्राम गुड़ लिया है, इसको तोड़ लिया है। इसको एक बर्तन में डाल के पिघला लेंगे। गुड़ को दाल में डायरेक्टली डाल सकते हैं, मगर इसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, इसलिए हमने इसमें पानी डाल के इसको पिघला लेंगे और इसको छान लेंगे, छान के डालेंगे। ऐसे करने से सारे इम्प्यूरिटीज़ फिल्टर हो जाएंगे। देखिए, हम दाल को छान के निकाल रहे हैं। दाल और पानी को सेपरेट कर लेंगे। ये पानी का उपयोग करने के लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। इस पानी को यूज़ करके हम रसम बनाएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, दाल और उसका पानी को हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम दाल में जो गुड़ का सिरप बनाया था उसको डाल लेंगे। देखिए, ये हमारा गुड़ का सिरप है, ये अच्छी तरह से पक रहा है। इसको एक बार स्टर कर लेंगे। अभी थोड़े से गुड़ बचे हैं इसमें, अभी थोड़ा सा इसको पकाएंगे। देखिए, सारा गुड़ पिघल गया है, अब हम इसको छान लेंगे। गुड़ के सिरप को डायरेक्टली दाल में छान लीजिए। देखिए, हमने गुड़ का सिरप दाल में डाल लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 150 ग्राम फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके डालेंगे।
इसमें कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कोकोनट को बहुत ज़रूरी डालना है। देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमने जो सौंफ, पॉपी सीड्स और कार्डमम सीड्स को जो रोस्ट कर लिया था उसको मिक्सर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फाइन पाउडर बनाना है इसको। देखिए ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। इसको अब हम पूरन में डालेंगे। सौंफ और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पॉपी सीड्स सौंधापन के लिए डाला जाता है, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। दाल अच्छी तरह से गलने तक इसको पकाना है। इसको हम तकरीबन 30 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। इसको बार बार चेक करते रहिए, बार बार इसको स्टर करते रहिए, वरना नीचे से जल जाता है। जब तक ये पकता है तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। हमने यहाँ मैदा लिया है आधा किलो और 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी का पाउडर डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो बनाना है इसको। एक ही बार बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट सा डो बनाना है हमें इसको, क्योंकि इसको फैलाने में बहुत आसानी होगी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए। इतनी सॉफ्ट सा डो हमें बनाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे में इलास्टिसिटी रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से गूंदना भी बहुत ज़रूरी है। अभी ये सेट होने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी इलास्टिसिटी। देखिए इतना सॉफ्ट सा डो हमें बनाना है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये डो। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ऐसे ही डो बनाना है पूरन पूरी के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसको कवर कर देंगे और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए हमने जो गुड़ और दाल का मिक्सचर बनाया था, जो स्वीट बनाया था, वो ठंडा हो गया है। अच्छी तरह से पका के हमने इसको ठंडा किया है। ठंडा यानी इसको ज़्यादा ठंडा करना नहीं है, 70% तक इसको ठंडा कीजिए, फिर इसको ग्राइंड कर लीजिए। ये मिक्सचर थोड़ा गर्म रहने पे ही इसको ग्राइंड करना चाहिए। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि दाल हार्ड हो जाएगी। जब ये थोड़ा गर्म होगा तो दाल भी थोड़ी सॉफ्ट होगी और गुड़ भी थोड़ा सॉफ्ट होगा। अच्छी तरह से ग्राइंड करने में बहुत ईजी होगी, इसलिए थोड़ा गर्म पे ही इसको ग्राइंड कीजिए। देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है। फाइन पेस्ट बनाना है इसको, एकदम बहुत फाइन पेस्ट बनाया है हमने। इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। जब हम इसको लड्डू बनाएंगे तब ये लड्डू का शेप में आना चाहिए, उतना थिक होना चाहिए ये। देखिए हमने सारे मिक्सचर को ग्राइंड कर लिया है। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए। हमारे चैनल के सारे अपडेट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए हमने थोड़ा सा पूरन लिया है, इसको लड्डू बना लेंगे। ऐसे ही थोड़े लड्डू बना लेंगे हम। अब हम पूरन पोली बना लेंगे, यानी वब्बट बना लेंगे। अब हम इसको टैप करने के लिए दो तरह से भी कर सकते हैं। एक केले का जो पत्ता आता है उस पर भी कर सकते हैं, या आप प्लास्टिक शीट पे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ दो तरह के भी दिखाए हैं, आपको जो इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। देखिए हमने केले का पत्ता लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया है। इसमें थोड़ा सा आटा लेके इसको थोड़ा टैप करेंगे हम। आटे को ऐसा टैप कर करके इसको बड़ा कर लीजिए। और इसमें अब हम रखेंगे लड्डू। लड्डू रख के जो आटा बाजू का है उसको लड्डू के ऊपर कवर कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको कवर करना है। इसको अच्छी तरह से कवर करने के बाद थोड़ा सा तेल हम अपनी उंगलियों पे लगा के इसको फिर से टैप करेंगे। Thank you.
देखिए ऐसे ही हल्के हाथों से टैप कर करके इसको पतला बना लीजिए, इसको स्प्रेड कर लीजिए। देखिए हमारा वॉपट अब पकाने के लिए रेडी है। इसको अब हम तवे पे डाल लेंगे। वॉपट को तवे के ऊपर डालने से पहले आप तवे पे थोड़ा सा तेल डाल लीजिए और तेल को थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। वॉपट को कैसा निकालते हैं मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ऐसे फ्लिप कर दीजिए पत्ते को और थोड़ा सा इसको फूंकिए। फूंकने से एक कॉर्नर पे फूंकने से वो थोड़ा सा निकल जाएगा और धीरे से पत्ते को हटा दीजिए। सारा वॉपट आपने हाथ पे आ जाएगा। वो वॉपट को धीरे से लेके आके आराम से तवे पे डाल दीजिए, वो अच्छी तरह से पक जाएगा। एक तरफ अच्छी तरह से पकने के बाद इसको हल्के हाथों से फ्लिप कर दीजिए दूसरी तरफ पकने के लिए। देखिए इस तरह, देखिए एक तरफ हमारा वॉपट पक गया है और दूसरी तरफ भी ऐसे ही पका लीजिए। देखिए वॉपट पक गया है, इसको एक तरफ से फ्लिप कर दीजिए और इसको निकाल लीजिए इस तरह निकाल के प्लेट में निकाल लीजिए। देखिए अब हम दूसरा मेथड दिखाएंगे प्लास्टिक शीट में कैसे बनाना है। देखिए वॉपट कितनी अच्छी तरह से फूला है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये मेन कोर्स रेसिपी है। इसके साथ चावल, सालन और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ सर्व किया जाता है। अगर आपको हमारे रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।